डॉक्टर आर आर सुआरस के द्वारा लिखी गई पुस्तकों के द्वारा लाखों लोग अपने जीवन में आशीष प्राप्त कर रहे हैं। आप भी विजय जीवन का आनंद उठा सकते हैं। आज ही इन पुस्तकों के सेट का ऑर्डर कीजिए। प्रार्थना निवेदन के लिए संपर्क करें 9389898900 पर सोमवार से शुक्रवार प्रातः 6 बजे से शाम 6 बजे तक। प्रार्थना निवेदन के लिए संपर्क करें faithshowindia@yahoo.com पर। आइए प्रभु यीशु के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। मेरे भाइयों, हर शो में हम देखते हैं कि प्रभु और ज्यादा आशीष उंडेल रहा है। हमारी पिछली सभा में मैंने ये वचन बताया था और मैं कुछ और अभी बताने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको पिछला याद दिलाऊंगा ताकि आप भूले नहीं। मैं दूसरा शमूएल और अध्याय 22 के वचन 33 में जाऊंगा, जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आपने अभी तक इसे सुना नहीं है तो मैं इसे फिर से बताऊंगा। ये दूसरा शमूएल अध्याय क्रमांक 22 और उसका वचन क्रमांक 33 है। मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें कि दाऊद ने कैसे प्रभु को देखा और जो बातें प्रभु ने उससे कही वो दाऊद करता, इसलिए कोई समस्या ऐसी नहीं थी जो दाऊद हल नहीं कर सकता था। ये उसने लिखा, यहोवा मेरा बल है। ये शत्रुओं के लिए नाकामी थी जो उसका पीछा करते, क्योंकि प्रभु उसका बल था और शत्रु उसे छू भी नहीं पाते थे, और सामर्थ्य है तो दाऊद कुछ भी कर पाता। पौलुस ने बाइबल में लिखा, मैं मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ्य देता है। और इस वचन को हमको समझना है ताकि हम इसको ले सके। दाऊद ने कहा, प्रभु मेरा बल है। आप ये कह सकते हैं, मैं भी कह सकता हूं, प्रभु मेरा बल है। फिर दाऊद ने और कुछ लिखा जो बहुत ही जरूरी था, और ये उसने लिखा, और वो मेरे मार्गों को सीधा करता है। क्या ऐसी कोई चीज है जो आपके मार्ग को सीधा होने से रोक रही है? हाँ डॉक्टर सोरेस, उसे निकाले अभी और वो प्रभु को दे दे, वो सीधा करे। प्रभु, मेरे हाथों में समस्या है, मुझे नहीं पता कि मैं ये कैसे करूं, मैं कैसे अपने मार्ग को सीधा करूं, मैं कैसे संभालूं। लेकिन ये बाइबल में लिखा है कि प्रभु मेरे मार्गों को सीधा करता है, तो मैं चाहता हूं कि आप इसे सीधा करें प्रभु। और आप निश्चय जान सकते हैं कि प्रभु चूकेंगे नहीं, बिल्कुल प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। मेरे प्रिय मित्रों, आगे बढ़ते हैं। मैं चाहता हूं कि आप बाइबल खोलें, दूसरा शमूएल अध्याय क्रमांक 22 और वचन क्रमांक 34। अब हम यहां उन बातों को देख रहे हैं जो प्रभु ने दाऊद के लिए की, और वो हमारे लिए भी करता है। और यही लिखा है, वो मेरे पैरों को हरिणियों के से बना देता है और मुझे ऊंचे स्थानों पर खड़ा करता है। अब दाऊद इस वचन में क्या कह रहा है? राजा दाऊद इस जानवर को देख रहा था जो बहुत ही सुंदर था, जो हिरन है, जो शायद अमरीकी हिरन या बारासिंगा हो, ये बिल्कुल अलग है। ये एक छोटा बच्चा है, तो जहां भी हिरन को शेर या चीता या कोई भी जंगली प्राणी सताते हैं वो भागता है और जोर से, और हिरन 5 मीटर ऊंचा कूद सकता है। और दाऊद ने कहा, यही प्रभु करते हैं जब मेरे शत्रु मुझे पकड़ते हैं, वो मुझे पकड़ नहीं पाते। यह आत्मिक संदेश है हमारे लिए। अगर चीजें अच्छी नहीं चल रही हैं, अगर शत्रु आपके पीछे है, तो कहे, प्रभु ये वादा आपने किया, आपने दाऊद से किया, मुझसे भी करे। मेरे पैर, जब कभी मैं आत्मिक दौड़ में हूं, मैं हिरन के समान हूं, शत्रु मुझे कभी नहीं छुएगा, क्योंकि केवल प्रभु मेरा बल ही नहीं है, लेकिन वो मेरे पैरों में क्षमता भी डालता है कि मैं भागू या कूदू और मैं शत्रु की योजना से भाग निकलू। दाऊद और कुछ कहता है, भाइयों, और मुझे ऊंचे स्थानों पर खड़ा करता है। जहां कहीं भी प्रभु मेरे लिए ऊंचे स्थान रखे हैं, उस स्थान पर शत्रु नहीं पहुंच सकता, कभी नहीं। वहां आप मुझे रखोगे। ये वचन कहते हुए, मेरे भाइयों, आप किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हो, किसी भी प्रकार की मुसीबत, कोई भी दुष्शक्ति जो आपके विरोध में खड़ी होती है, आप प्रभु द्वारा ऊंचे स्थानों में रहोगे, पूरी तरह चंद्रमा पर। तो जहां प्रभु ने निश्चय किया है आपको रहने का, वहां शत्रु नहीं पहुंच पाएगा। अगर आप वहां हैं, शत्रु वहां नहीं पहुंच सकता, और ये प्रभु है जो आपको वहां रखेंगे। प्रभु आपकी समझ को जागृत करेंगे और आप उस वादे को पकड़े रहोगे, और प्रभु परमेश्वर आपसे उस वादे को पूरा करेंगे। क्या हम प्रार्थना करें भाइयों? हे मेरे प्रिय प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्रभु, क्योंकि आपने हमें क्षमता दी है,
क्योंकि जब शत्रु हमारा पीछा करता है और हमें उनसे भागना है, हम हिरने के समान दौड़ते हैं, शत्रु उनके विरोध आते हैं। मेरे प्रभु, ये शेर या चीता या किसी और प्रकार का जानवर हो, बहुत जल्द करने वाला, भागने वाला तेज जानवर, लेकिन वो पकड़ नहीं पाते हमें, क्योंकि आपने हमें वो क्षमता दी है। प्रभु कृपया हमें परीक्षाओं से बाहर निकाले, सताव से, जैसे यहां दिया है, और कृपया हमें ऊंचे स्थानों पर रखें। मैं उस सामर्थ्य का उपयोग करूंगा जो आपने मुझे दिया है इन लोगों को आशीषित करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में आशीषें आपके ऊपर आ जाएं, प्रभु की महिमा के लिए, और आप कहें आमीन। अब भाइयों, मैं आपको ये अद्भुत चमत्कार दिखाना चाहता हूँ जो एक सभा में हुआ, जो मैंने अपने देश में ही रखा था। ये प्रार्थना यही हुई थी एक चर्च में। हमारी बहुत सारी कलीसियाएं हैं, उसमें से ये चौथी कलीसिया है जहाँ पर ये हुआ था। कृपया दिखाएं इसे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ये पैर यहाँ और ये यहाँ, जब ये बच्चा हुआ वो काफी दर्दनाक था, मुझे काफी तकलीफ हुई थी, ये काफी दर्दनाक था मुझे डिलीवरी। इसको कितना समय हुआ? 34 साल। 34 वर्ष पहले हुआ, बच्चों को जन्म देते समय, क्योंकि ये बच्चा बड़ा था, उन्हें चिमटा या ऐसे यंत्रों का उपयोग करना पड़ा था। उन्होंने बच्चे को सिर से खींचा, मेरी हड्डी अलग हो गई थी, फिर मुझे और बच्चे को इसका परिणाम झेलना पड़ा। मेरा पैर छोटा है और उसका भी, और मुझे टेंडनाइटिस की भी समस्या है, और मुझे पैर में हड्डी में काफी दर्द रहता है, लेकिन ये हड्डी चंगी हो गई क्योंकि मैंने बहुत प्रार्थना की, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये आता और जाता, और सच में देखिए तो कल मेरी वो गांठ गायब हो गई थी, लेकिन पास्टर आज मुश्किल से मेरे पैर उठा पा रही हूँ। मैं यह सूजा हुआ पैर लेकर आई थी, मैं जूते भी नहीं पहन पा रही थी, मेरे जूते ठीक से आ नहीं रहे थे। मैं देख पा रहा हूँ, और यीशु आप पर कार्य कर रहे हैं। मेरे पैर पहले जैसे हो गए हैं, कोई सूजन नहीं है। आपका नाम क्या है बहन? विशेषिया। सुनिए, जब मैं यहाँ आई थी, कैसे चल रही थी, कृपया दिखाएं। पास्टर, मैं ऐसे चल रही थी, सीधा चले, सीधा चले। विशेषिया, देखो वो अपने उंगलियों पर भी चल रही है। बहन, कृपया इस कुर्सी पर बैठे, मैं अब आपका डॉक्टर बनने वाला हूँ। जब किसी का पैर छोटा होता है, डॉक्टर उन्हें बैठने को कहते हैं और दोनों पैरों को उठाते हैं ताकि ये देखे कि दोनों में फर्क क्या है। देखिए, क्या प्रभु ने उनके पैरों को बड़ा बनाया है। कृपया उसे उठाएं, आपके पैर को उठाएं, उसे देखो भाइयों, वो एक समान दिख रहे हैं अब। कृपया यीशु के लिए तालियां हो जाए। आमीन। यीशु ने आपको छुआ है बहन। आमीन। प्रभु के लिए तालियां हो जाए। हमें कुछ स्पर्श हुआ है ना, कुछ हुआ हमें। अब भाइयों, दाऊद ने सही बताया, उसने कहा कि प्रभु ने उसके मार्ग को सीधा किया। कि आप अपने जीवन में किसी समस्या में हैं, मेरे भाइयों, आपको अपना जीवन बांधकर या बिगाड़कर नहीं रखना है। प्रभु ने वादा किया कि वो आपके मार्ग को सीधा करेंगे। प्रभु निश्चय अपने वादे को पूरा करते हैं, आप उन पर भरोसा रखें। चाहे आप अपने आप को ऐसी स्थिति में पाएं जहां सब कहते हैं कि ये निराशाजनक है, पवित्र आत्मा को अपना मार्ग बना दे और आप देखेंगे प्रभु के पास सामर्थ्य है ऐसे कार्यों को करने का आप में। आमीन। मेरे पास एक और सुंदर चमत्कार है, ये यहाँ मनौस में हुआ था। कृपया गवाही का वीडियो दिखाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैं गिरी और मुझे चोट लगी थी मेरे घुटनों पर, मैं झुक नहीं पाती थी, सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाती थी। 3 महीनों से। कितना दर्द होता आपको? बहुत दर्द होता था। आप लंगड़ाते हुए या ऐसे ही कुछ चलती थी? जी हाँ। क्या आप दिखा सकती हैं आप कैसे चलती थी? मैं ऐसे चलती थी। ऐसे? लेकिन यीशु ने आपको चंगा कर दिया है। जी हाँ। तो आप विजय की दौड़ दौड़ सकती हैं। चलिए चलिए मेरे पीछे चले। तो अब हम विजय की दौड़ दौड़ रहे हैं, यह अद्भुत है। देखिए वो दौड़ रही है। यीशु के लिए तालियां हो जाएं। प्रभु की महिमा हो। मेरे भाइयों, हम न्यायियों के पुस्तक में जा रहे हैं, अध्याय 4, कृपया निकालिए इसे। न्यायियों के 4 अध्याय में हम एक सुंदर संदेश को देखेंगे पवित्र आत्मा के द्वारा। ये संदेश उस समय का है जब इज़राइली मुश्किल समय से गुजर रहे थे, और फिर क्या हुआ, लोग व्याकुल हुए और उन्होंने प्रभु की ओर मुड़ने का सोचा। उन्होंने प्रभु को ढूंढा और प्रभु ने उन सबको सताव से बाहर निकाला। इब्रानियों की पुस्तक में, मैं वापस न्यायियों की पुस्तक में जा रहा हूं, अध्याय क्रमांक 4 में। अब यहाँ पर विश्वासियों के लोगों के बारे में दिया हुआ है, और मैं एक वचन इब्रानियों से आपके लिए पढ़ूंगा और फिर मैं न्यायियों पर जाऊंगा। यह आपको समझने में आसानी होगी जो हम अब सीखने वाले हैं। इब्रानी 11 वचन क्रमांक 32, 33 और 34 ऐसा कहता है, अब मैं और क्या कहूं, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का और बाराक और समसून का
और यिफ्तह का और दाऊद का और शमूएल का और भविष्यद्वक्ताओं का वर्णन करो। उन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया। उन्होंने सच में महान काम किए। यह हुआ विश्वास से, इसका मतलब विश्वास के द्वारा। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। लेकिन विश्वास एक शिक्षक भी है। विश्वास आपको सिखाएगा आपको क्या करना है। जब आप प्रभु के वचन को सुनते हैं और आपको लगता है कि आपके हृदय से बात कर रहा है और आप विश्वास करते हैं, तो वो निश्चय होता है। तब से आप जरूर जान सकते हैं कि प्रभु आपको उन बातों में अगुवाई करेंगे जो आपको करना है। अध्याय 4 न्यायों की पुस्तक शुरुआत करता है उस समय के बारे में जब प्रभु के संतानों ने अपनी पीठ प्रभु की ओर की। जब मनुष्य प्रभु की ओर पीठ करता है, तब शत्रु उनके जीवनों में कार्य करना शुरू करता है और अपना दुष्ट कार्य उनके जीवन में कर नाश करना और सब प्रकार की दुष्टता। वो सारे लोग जो 20 वर्ष से सताव में थे, ये न्यायों की पुस्तक अध्याय 4 है, वो वचन 1 है। जब एहूद मर गया, तब इजरायलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको हासोर में विराजने वाले कनान के राजा याबीन के अधीन में कर दिया, जिसका सेनापति सिसरा था, जो अन्य जातियों के हेरोशेत का निवासी था। तब इजरायलियों ने यहोवा की दुहाई दी, क्योंकि सिसरा के पास लोहे के 900 रथ थे और वो इजरायलियों पर 20 वर्ष तक बड़ा अंधेर करता रहा। क्या हुआ मेरे भाइयों, 20 वर्ष तक इजरायलियों पर सताव होता रहा और फिर भी उन्होंने प्रभु को नहीं पुकारा। 20 वर्ष बाद उन्होंने निर्णय लिया उसके पास जाने का। ऐसे लोग हैं जो शत्रु के द्वारा सताए गए हैं लंबे समय से। शत्रु उन्हें जबरदस्ती कर रहा है और फिर भी लोग इसके बारे में कुछ नहीं करते। वो प्रभु को नहीं पुकारते, प्रभु मुझे कुछ हल चाहिए। वो बच्चों के जैसा बनते हैं, वो अब प्रभु पर विश्वास करते हैं लेकिन कल नहीं। हमें अपने मन को तैयार करना है, मुझे जीवन में बड़ा होना है प्रभु। अगर आपने वचन में यह वादा किया है तो मैं आपके वचन को लेता हूं और मुझे उस वादे का लाभ उठाना है। मैं अब और सताव नहीं सहूंगा। दाऊद ने कहा कि प्रभु उसका मार्ग सीधा करेंगे और जब लोगों ने पुकारा, प्रभु ने उन्हें सुना और फिर क्या हुआ भाइयों? क्या हम पढ़े, क्या लिखा है वचन 5 में? हम उस समय लप्पीदोत की स्त्री दबोरा जो नबिया थी इजरायलियों का न्याय करती थी। बाइबल में ऐसा क्यों लिखा है कि उसने उस समय इजरायलियों का न्याय करना शुरू किया? हो सकता है कि वो बहुत गैर जिम्मेदार न्यायी थी, है ना? ना, क्योंकि ये लिखा है अध्याय 5 न्यायों की पुस्तक में। उस दिन दबोरा और अबीमेलेक के पुत्र बराक ने ये गीत गाया कि इज़राइल के अगुओं ने जो अगुवाई की और प्रजा जो अपनी ही इच्छा से भर्ती हुई, उसके लिए यहोवा को धन्य कहो। हे राजाओं सुनो, हे अधिपतियों कान लगाओ, मैं आप यहोवा के लिए गीत गाऊंगी, इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का मैं भजन करूंगी। हे यहोवा, जब तू सेईर से निकल चल, जब तूने एदोम के देश से प्रस्थान किया, तब पृथ्वी डोल उठी और आकाश टूट पड़ा, बादल से भी जल बरसने लगा। यहोवा के प्रताप से पहाड़, इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के प्रताप से वो सिनै पिघल कर बहने लगा। शमगर के दिनों में, अनात के पुत्र और याएल के दिनों में सड़के सूनी पड़ी थी। उन्होंने प्रभु को ढूंढना बंद किया और सड़के सूनी पड़ी। मेरे भाइयों, ये हमारे लिए एक शिक्षा है। अगर हमने कभी भी प्रभु को ढूंढना बंद किया तो सड़कें सूनी पड़ जाएंगी और वो हमारे लिए फिर नहीं रहेगी, फिर हम उस पर नहीं चल पाएंगे। कोई भी जो ऐसा कहता है मैं अपने ही घर में प्रभु की सेवा कर सकता हूं, मुझे कलीसिया जाने की जरूरत नहीं, वो सबसे बड़ी गलती कर रहा है, क्योंकि पासबान उन्हें दुनिया दिखाते हैं और उन्हें ये समझता नहीं और वो फिर चल नहीं पाते हैं। प्रभु के मार्गों में, छुटकारे के मार्ग में, बचाव के मार्ग में, वो मार्ग जो उन्हें प्रभु के आशीषित फुहारे के पास ले जाएगा। इसलिए जब वो शमगर व्यक्ति न्यायी था और याएल उसके साथ था, फिर क्या हुआ? सड़कें सूनी पड़ी थी, कोई भी प्रभु के पीछे चलना नहीं चाहता था और बटोही पगडंडियों से चलते थे। जो बाइबल हमेशा नहीं पढ़ते और केवल पासबानों को ही प्रचार करते सुनते हैं, तो यही है बस, मैं वहां जा रहा हूं, वो पगडंडियों पर चलेंगे और उनको क्या हुआ जो अभी हो सकता है हो रहा है बहुत सारे लोगों के जीवन में। गांव सूने पड़ गए, इज़राइल सूना पड़ गया, तो वो आगे नहीं बढ़ पाए। कोई आशा रखता है मानव जाति बढ़े, लेकिन वो बढ़े नहीं, जीवन सूना पड़ गया, कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। जब तक मैं दबोरा, तो अब कुछ हुआ,
इज़राइल में माता होकर न उठी। तब प्रभु ने दबोरा को उठाया, एक माता, एक न्यायी, और फिर उसने चीजों को बदलना शुरू किया। वो प्रभु के कार्य करने लगी। आइए अध्याय 4 में जाते हैं अब। तो जब उन्होंने प्रभु को पुकारा, जैसे यहां वचन 5 में लिखा है, वो एप्रेम के पहाड़ी देश में रामा और बेतेल के बीच में दबोरा के खजूर के तले बैठा करती थी और इज़राइली उसके पास न्याय के लिए जाया करते थे। दबोरा वहां थी। उसने अबीनोअम के पुत्र बारा को केदेश नप्ताली में से बुलाकर कहा, क्या इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने ये आज्ञा नहीं दी कि तू जाकर ताबोर पहाड़ पर चढ़ और नप्तालियों और जबुलूनियों में के 10,000 पुरुषों को संग ले जा? तब मैं याबीन के सेनापति सिसरा के रथों और भीड़ भाड़ समेत किशेन नदी तक तेरी ओर खींच ले आऊंगा और उसको तेरे हाथ में कर दूंगा। तो भाइयों, दबोरा एक नबिया और एक न्यायी थी। दबोरा का यह दर्शन, यह प्रकाशन था, और इस तरह से उसने बाराक से कहा, तुम अपने हाथ पर हाथ रखकर क्यों हो? लोगों ने पुकारा है, मैंने एक न्यायी को उठाया और प्रभु ने तुम्हें चुना। मेरे भाइयों, जब प्रभु ने हमें चुना है, उसने बहुत लोगों को चुना है कि वो हमारी ओर रहे। जो मेरे पीछे चल रहे हैं शुरुआत से मेरी सेवकाई में, वो जानते हैं कि मैंने कभी नहीं कहा टीवी पर, प्रभु के लिए कृपया हमारी मदद करे, नहीं तो शो नहीं दिखाया जाएगा। ये इसके विपरीत है। मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपको नहीं लगता कि आप प्रायोजक बने, तो मैं नहीं चाहता कि आप करें, क्योंकि प्रभु आपको चुनेंगे। और हमने कोई बिल बाकी नहीं रखा है, एक पैसा भी नहीं, और हमें हर महीने बड़े बिल भरने होते हैं कि हमारा शो दिखाया जाए। और यह ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब दबोरा उठी प्रभु का धन्यवाद देने, प्रभु ने बराक को बुलाया। जब प्रभु ने मुझे उठाया, मुझे पता था कि प्रभु लोगों से बात कर रहे हैं जो आशीषित होंगे, ताकि वो मेरे साथ सेवकाई में जुड़ जाएं। तो आपने ये कार्य किया है ना? ना, ये मैं नहीं था, हमने साथ में किया। प्रभु ने मुझे इसका अधिकारी बनाया। प्रभु ने दबोरा को वहां रखा, लेकिन प्रभु ने बाराक को बुलाया। लेकिन बाराक हाथ पे हाथ रखे था और दबोरा ने उससे बात की। अपने आप को जांचें कि क्या आप भी बाराक के समान जीना चाहते हैं? दबोरा से पहले अपने हाथ पर हाथ रखे। क्या परमेश्वर यहोवा ने नहीं आज्ञा दी, जा और ताबोर पहाड़ के दल को तैनात कर? तो प्रभु ने एक प्रकाशन दिया और वो प्रकाशन आज्ञा है। जो भी प्रभु आपके हृदय से बात करते हैं, उसे आज्ञा के तौर पर देखे और नप्तालियों और जुबुलनियों में के 10,000 पुरुषों को संग ले जा। तब मैं याबीन के सेनापति सिसरा के रथों और भीड़ भाड़ समेत किशोन नदी तक तेरी ओर खींच ले आऊंगा और उसको तेरे हाथ में कर दूंगा। बाराक ने उससे कहा, यदि तू मेरे संग चलेगी तो मैं जाऊंगा, नहीं तो न जाऊंगा। उसने कहा, निस्संदेह मैं तेरे संग चलूंगी, तो भी ये यात्रा से तेरी तो कुछ बढ़ाई न होगी, क्योंकि यहोवा सिसरा को एक स्त्री के अधीन कर देगा। तब दबोरा उठकर बाराक के संग केदेश को गई। तब बाराक ने जबुलून और नप्ताली के लोगों को केदेश में बुला लिया और उसके पीछे 10,000 पुरुष चढ़ गए और दबोरा उसके संग चढ़ गई। हेबेर नाम केनी ने उन केनियों में से जो मूसा के साले होबाब के वंश के थे, अपने को अलग करके केदेश के पास के साननीम के बांज वृक्ष तक जाकर अपना डेरा वहीं डाला था। जब सिसरा को यह समाचार मिला कि अबीनोअम का पुत्र बाराक ताबोर पहाड़ पर चढ़ गया है, तब सिसरा ने अपने सब रथ, जो लोहे के 900 रथ थे, और अपने संग की सारी सेना को अन्य जातियों के हेरोशेत के किशोन नदी पर बुलवाया। तब दबोरा ने बाराक से कहा, उठ, क्योंकि आज वो दिन है जिसमें यहोवा सिसरा को तेरे हाथ में कर देगा। क्या यहोवा तेरे आगे नहीं निकला है? इस पर बाराक और उसके पीछे पीछे 10,000 पुरुष ताबोर पहाड़ से उतर पड़े। अब इन वचनों को देखते हैं। दबोरा ने कहा, उठ पुरुष, क्योंकि तेरा समय आ गया है। क्या यहोवा तेरे आगे आगे नहीं गया? जब भी हम प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं और प्रभु का कार्य पड़ा है, हमें किसी भी खतरे से नहीं डरना है, चाहे जहां से भी वो आए, क्योंकि हमारा प्रभु हमारे आगे है। प्रभु है जो युद्ध को लड़ता है, हम केवल हथियार हैं। हमें अपनी आंखों को खुला रखना है प्रभु की सूचना को सुनने के लिए और आज्ञा को बताने में कि वही करे जैसा प्रभु परमेश्वर ने कहा है। और मेरे भाइयों, प्रभु अपना कार्य करेंगे। अब बाराक उसके पीछे पीछे 10,000 पुरुष ताबोर पहाड़ से उतर पड़े। फिर वो सिसरा में गया लड़ने। उसके पास मुश्किल से कुछ था भाइयों, सिसरा 900 रथों के साथ था। तब वो बड़ी बात थी, वो वहां आए हजारों हजार योद्धा और बाराक केवल 10,000 पुरुषों को ले आया। और आपको पता है बाराक वहां कैसे गया?
वो अध्याय 5 वचन 15 में है। आइए पढ़ते हैं इसे। और आपको डरना नहीं है चाहे शत्रु जो भी करे। और इस्साकार के हाकिम दबोरा के संग गए, जैसा इस्साकार वैसा ही बाराक भी था, उसके पीछे लगे हुए वो तराई में झपट कर गए, उसके पास घोड़े भी नहीं थे। मेरे भाइयों कितना चौंका देने वाला था ये। सिसरा ने 900 रथों को लाया और हजारों योद्धा, उसके पास घोड़े भी थे और हथियार भी थे, उसके पास हथियार और भाले भी थे और बहुत कुछ था, और बाराक के पास शायद ही कुछ था। उसके पास घोड़े भी नहीं थे भाइयों। बाराक को अपनी सेना के साथ चलना पड़ा युद्ध के लिए। लेकिन अगर प्रभु आपके लिए बाहर गए तो, अगर प्रभु युद्ध लड़ रहे हैं तो मनुष्यों को क्या चाहिए इसकी चिंता क्यों करते हो आप? जब प्रभु युद्ध लड़ रहे हैं तो उन्होंने सिसरा का नाश किया, जाबीन का भी, उन्होंने सारे लोगों का नाश किया, सारे भीड़ का। वो विजेता थे क्योंकि उन्होंने हमारे प्रभु पर भरोसा रखा। बाराक संकोच करने लगा, मैं जाऊंगा अगर दबोरा चलेगी तब। बाराक को दबोरा की वहां जरूरत नहीं थी। जो युद्ध आप लड़ रहे हो उसमें आपको मेरी या किसी भी पासवान की जरूरत नहीं कि हम शत्रु से युद्ध लड़े। सबसे बड़ा योद्धा इस भूमंडल का आपके आगे है। उस युद्ध में जिसमें आप लड़ रहे हो वो अविनाशी है, वो विजयी है, उसे कोई मार नहीं सकता, वो हमारा प्रभु है। मेरे भाइयों आगे बढ़ते हैं। याबीन पूरी तरह से नाश हुआ एक व्यक्ति के द्वारा जिसके पीछे 10,000 पुरुष थे, और वो युद्ध तक गए बेचारा। वो उसके पास एक भी घोड़ा नहीं था कि वो उन लोगों को 900 रथ जहाँ थे वहां ले जाए। उसे जरूरत नहीं थी क्योंकि हमारा प्रभु भस्म करने वाली आग है। प्रभु पूरी तरह से उन रथों को जला देंगे, प्रभु हमारे शत्रु को नाश कर देंगे, और प्रभु उनको विजय देंगे जो उस पर विश्वास करते हैं और उसके द्वारा चुने गए हैं। हम प्रार्थना करेंगे भाइयों। प्रभु धन्यवाद आपका, आप सच में अद्भुत है, सच में अनमोल, आप सच में महान है सारी बातों में जो आप करते हैं, और हम आपको पुकारते हैं क्योंकि आज हमारे युद्ध का दिन है, पवित्रता का हमारा युद्ध, जब हमारे मार्ग को सीधा किया जाएगा, वो युद्ध जिसमें हम सफल होंगे, और हम आपको पुकारते हैं और हम आपके नाम को बुलाते हैं। प्रभु कृपया हमारी मदद करे, हमें उत्तर दे, हमें छुड़ाए। मेरे पिता प्रभु आप सबसे बड़े योद्धा हो पूरे भूमंडल में, आप अविनाशी हो, आपको कोई हरा नहीं सकता, आप विजय हो, आप हो जो हमारे आगे चलते हो, और इसलिए हमें भी कोई हरा नहीं सकता, हम विजय हैं हे प्रभु, इसलिए हम सब कुछ कर पाते हैं आपके द्वारा जो हमें बल देते हैं, जो हमारे पैरों को हिरन के समान बनाते हैं। ओ मेरे प्रिय प्रभु, आप हैं जो हमें ऊंचे स्थानों पर रखते हैं। प्रभु सारे मार्ग सीधे हो गए हैं हर एक के जीवन में जो प्रार्थना में जुड़े हैं। मैं आपसे मानता हूं और धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और आमीन। आमीन मेरे भाइयों, ये अद्भुत है प्रभु के पीछे चलना। आप निश्चय जान सकते हैं कि प्रभु आपसे बात कर रहे हैं, उसने आपको चुना है कि महान आशीष बने प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का रियल लाइफ ड्रामा सेगमेंट। रिटायर होने के बाद मारिया कोशिश करती है कि उसकी खुद की प्रॉपर्टी बन जाए। मैं जहाँ रहती थी वो मुझे बहुत पसंद था, लेकिन जब मैं रिटायर हुई मुझे कहीं और जाना था। ये बहुत ही सामान्य जीवन था, उन्होंने काम किया, अपना बिल भरती, वो मुश्किल से बाहर कहीं जा पाती। हमने जितने भी पैसे कमाए सब खाने में जाते। मेरे पति बीमार थे, वो काम नहीं कर पाते थे। तब मैं रिटायर हुई और 13,000 कमाती। मैंने अपने पति से कहा ये पैसे मेरे लिए है, एक जमीन खरीदने के लिए है कलिसिया के पास, बस स्थानक के पास। तब मैं खोजने लगी, मैं 4 शहरों में खोज रही थी, और हफ्ते के आखिरी में मैंने दूसरे शहरों में भी देखा। फिर मैंने उम्मीद छोड़ दी क्योंकि मैं नहीं खरीद पा रही थी। फिर मारिया फेथ शो देखने लगी और उसे इंटरनेशनल ग्रेस ऑफ गॉड चर्च के बारे में मालूम हुआ। मेरे पति ने पहले इस चर्च के बारे में टीवी पर सुना और फिर वो वहाँ जाने लगे। हम वहाँ गए साओ पोलो में, क्योंकि जहाँ हम जाते थे वो चर्च हमें पसंद नहीं था, इसीलिए दूसरी जगह जाने लगे। वो 2 हफ्ते में एक बार कलिसिया में जाते थे, क्योंकि मेरी माँ काम करती थी, वो हर 2 हफ्तों में एक रविवार को छुट्टी लेती थी। वचन को ढूंढते हुए मारिया के मन में प्रभु की अगुवाई महसूस हुई।
मैं फेस शो देख रही थी, मेरे पति रसोई में थे। मैंने उनसे कहा, आप विश्वास नहीं करोगे जो मैं आपसे कहूंगी, मैं अब उस जमीन को खरीद पाऊंगी, क्योंकि अगर शो में वो व्यक्ति कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ, मैं उन्हें अपनी गवाही दूंगी। वो कह रही थी कि मेरे पति उसे कहते कि 13,000 जो उसके बैंक में है उससे जमीन खरीदना मुश्किल होगा। प्रभु यीशु के नाम में मैं ये करूंगी, और मुझे मन में ये विश्वास लगा कि मैं ये करने वाली हूँ, और मैं सच में उस जमीन को अपने सामने देख रही थी। और बिल्कुल अचानक से मेरा एक सहकर्मी कॉल करके मुझसे उस जमीन के बारे में बात करने लगा, और हमें पसंद आई और हम बैंक में गए और वहाँ हमें पैसे मिले। मुझे विश्वास था कि ये जमीन मैं खरीदने वाली हूँ, पर मुझे नहीं पता था कि मेरे पास कितने पैसे थे। वो जमीन मिलने के बाद मैंने सोचा कि पता करूं कि बैंक में कितने पैसे हैं। जब सच में उसने उस जमीन को खरीद लिया, मुझे पहले जाना नहीं था। जब मैं उस जगह पर गया, मुझे वो पसंद नहीं था, तब मैंने उनसे कहा आप वहाँ जाओ, मैं यहीं रहूंगा। लेकिन मेरे पिता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं था और मेरी उन्हें जरूरत थी, तो मुझे उनके साथ जाना पड़ा। उनके पास खुद के पैसे थे और उन्हें ये खरीदना था, लेकिन मैं इसके बीच में नहीं जाना चाहता था, उन्हें सलाह नहीं देना चाहता था। मारिया को लगता है कि वो प्रभु की चुनी हुई स्पॉन्सर है। मुझे मन में लगा मेरे पति भी स्पॉन्सर थे। मुझे बहुत खुशी होती है जब लोगों को आशीष मिलती है, और इसलिए मुझे लगा देना चाहिए। और जब वो संगति से जुड़ी, चीजें बदलने लगी, सब कुछ अलग होने लगा। पहले हमें कुछ खरीदने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती थी, हमें किस्तों में लेना पड़ता था, और हम डरते कि हम इसे चुका पाएंगे या नहीं। पर जब से वो संगति से जुड़ी, चीजें अच्छी होने लगी, आज हम बहुत खुश हैं। मुझे याद है एक बार मैं आई और सप्लाई कंपनी में गई, और मैंने रेती और सब कुछ खरीदा, और उन्होंने मुझे कहा, मेरे बेटे ने मुझसे कहा, मैं इसके बारे में एक शब्द नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे लगता है फल लेने जा रही है, आप ये सब खर्च कैसे उठा पाएंगे। और सब कुछ सही से हुआ, मैं सब कुछ कर पाई। हमने किसी से उधार नहीं लिया, हमने जो किया वो अपने बल पर किया। हम कुछ पैसे बचाते हैं और फिर उन चीजों को खरीदते हैं। प्रभु ने उन्हें आशीष दिया और उन्होंने किया। मैंने घर पर कुछ डिजाइन बनाया और उन्हें दिखाया, ये देखने के लिए कि उन्हें उसी तरह से चाहिए था या कुछ और। और जब हमने आखिरी प्रोजेक्ट बनाया, हम उसे इंजीनियर के पास ले गए, उसने ब्लूप्रिंट निकाला और ये अच्छा निकला। अब बहन मारिया बहुत खुश है, वो बहुत ही खुश है अपने बड़े घर को दिखाने के लिए जो प्रभु ने उनके लिए तैयार किया। मैं हमेशा खुद से पूछती, मैं कैसे ये घर बना पाई, ये सच में प्रभु की आशीष है, यही मैंने सपना भी देखा था, मेरे मन में विश्वास था और प्रभु ने मुझे आशीष दी। ओ यीशु, केवल आप ही हैं जो हमारे मार्ग को सीधा कर सकते हैं, और वो करते हैं मेरे भाइयों। वो स्त्री कितनी नम्र थी, और वो प्रभु पर निर्भर रही, और आज उस पर कोई कर्ज न रहा। और आपको प्रभु की आज्ञा को मानना है, विश्वास की आज्ञा। विश्वास एक शिक्षक के समान है, विश्वास आपको बल देता है, विश्वास कार्य करता है, क्योंकि विश्वास प्रभु है मेरे भाइयों। ये सच में बदलाव है। आइए चलते हैं आज के सवाल जवाब के सिलसिले में। डॉक्टर सॉरस, क्या ये सही है कि प्रभु से उत्तर ढूंढने का मतलब हमेशा अपनी बाइबल को खोलकर किसी भी वचन को पढ़ना होता है? आप कोई भी नियम का पालन न करें। मैंने एक बार अपना बाइबल ऐसे ही खोला और मैंने वो संदेश पढ़कर बाइबल बंद कर दी और सोचा, धन्यवाद प्रभु आपने बात की, ये प्रभु थे जिन्होंने मुझे वो दिखाया। नहीं, आप ये नहीं कर सकते। जब प्रभु अधिकारी है, आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर प्रभु अधिकारी नहीं, तो आपको कुछ नहीं करना चाहिए। मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ जो इस वक्त घर पर हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ जो फेज शो को नहीं देखेंगे, आज के दिन आशीषें उंडेली जाएंगी प्रभु। और मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ जो यहाँ कलीसिया में है। मैं सारे दुष्शक्तियों को धमका कर आज्ञा देता हूँ, निकल जा प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रियो, दूसरा राजा उसका 6:16 में हम देखते हैं एलाइशा अपने सेवक के साथ था, और उसका सेवक बहुत भयभीत था, वो डरा हुआ था क्योंकि विरोधियों की सेना ने उन्हें घेर रखा था। और वहां पर हम देखते हैं एलाइशा ने कहा कि उसकी आंखें खुल जाएं, और प्रभु ने उसकी आंखों को खोला और उसने उस पूरे पहाड़ को स्वर्गदूतों की सेना से भरे हुए देखा। कई बार हम अपने चारों ओर जो आत्मिक माहौल है, जो परमेश्वर की आत्मिक सुरक्षा है, उसको देख नहीं पाते, और इसलिए परिस्थितियों से डरते हैं, हम भयभीत होते हैं, हम निराश होते हैं, कई बार हम व्याकुलता की अवस्था में पहुंच जाते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने कहा, डरो मत क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। जो तुम में है वो उससे जो संसार में है वो बड़ा है, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको विश्वास के साथ प्रभु यीशु के साथ बने रहने की आवश्यकता है, और आप यकीन मानिए, जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, आपको किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। कोई ऐसी परेशानी या मुसीबत इतनी बड़ी नहीं है जिसे परमेश्वर आपके जीवन से दूर ना कर सके। आप विश्वास के साथ प्रार्थना में बने रहिए। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दें। आमीन।